इस तस्वीर में नजर आ रहे बेबस पिता के दर्द को शब्दों में बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है। बीते दिन से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम है राम कुमार पंडित, जो कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और दिल्ली के नवादा में मजदूरी का काम करते थे। लॉकडाउन के चलते इनका काम बंद हो चुका था। राम पुकार उस वक्त पूरी तरह से टूट गए जब उन्हें ये सूचना मिली कि उनका एक साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक पिता के लिए शायद इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। अब जैसे ही इन्हें इस बात की जानकारी मिली, ये पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना हो गए और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब ये यूपी गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार करने से रोक दिया। 3 दिन तक ये यूपी गेट पर ही फंसे रहे। लगातार ये गुजारिश करते रहे कि इन्हें जाने दिया जाए, लेकिन किसी ने इनकी एक ना सुनी। खबरों में राम कपूर का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि वो 3 दिन से इस फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं। उन्हें खाने को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर तक कुछ नहीं खाया, पानी भी खत्म हो गया था, जिसके चलते उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। बेटे के मौत की खबर सुनने के बाद वो खुद को नहीं रोक पा रहे। उनका कहना है कि अगर कोई सवारी नहीं भी मिली तो वो पैदल ही घर चले जाएंगे। गांव में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह बेटे की अंतिम क्रियाएं की जा सके। उन्हें लग रहा था कि देर सवेर ही सही उनकी बात मान ली जाएगी और उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में एक समाचार पत्र की ओर से राम पुकार की मदद की गई। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 13 मई को उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से वो स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने घर के लिए रवाना हुए। ये वो लोग हैं जो मेहनत करके दो वक्त की रोटी जुटाते हैं, लेकिन इस महामारी ने इन लोगों की समस्याओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।